तो चलिए खोलते हैं ये आइकिया का पिटारा। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है जब कभी कोई घर में ऑनलाइन शॉपिंग करके इस तरह से बॉक्स आता है, उसको खोलो, पता तो होता है पहले से क्या क्या मंगाया है हमने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू होम एंड हॉबीज। रिसेंटली मैंने बहुत सारी ऑनलाइन परचेज करी है, वो भी आइकिया से, और आज मैं आपको वही अपनी ऑनलाइन परचेज शो करने जा रही हूँ। ज्यादातर लोगों को पता होगा आइकिया के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आइकिया के बारे में। आइकिया में आपको रेडी टू असेंबल फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस और डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स, गुड्स, ये सब अंडर वन रूफ मिल जाता है। सो आइकिया इज अ कम्प्लीट सोल्यूशन फॉर योर होम नीड्स। इंडिया में अभी आइकिया 2018 से ही आया है, फर्स्ट स्टोर हैदराबाद में 2018 में आया था। नाउ अभी उन लोगों ने नवी मुंबई में अपना सेकेंड स्टोर स्टार्ट किया है, ऑनलाइन वो डिलीवरी करा रहे हैं कुछ जगह पे इंडिया में, जैसे मुंबई में पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, ये सब मुझको पता है जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी होती है आइकिया के प्रोडक्ट्स की। वैसे तो मैं आइकिया के प्रोडक्ट्स बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जनरली मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से वैसे भी कहीं जाना नहीं रहता और साथ ही में ऑनलाइन परचेस करना कन्वीनियंट भी रहता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये सब मेरा अपना पर्सनल परचेज है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट ये पसंद आए तो आप भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइकिया की साइट का दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्राइसेस जिन जिन प्रोडक्ट्स के मुझको ईमेल पे इजीली मिल जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये शॉपिंग स्पेशल व्लॉग। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, असेंबलिंग एंड होम इम्प्रूवमेंट, किचन नीड्स एंड ऑर्गेनाइजर्स एंड बाथरूम एसेंशियल्स। इस तरह से ये पूरा डिलीवरी होके सामान आया था अलग अलग बॉक्सेस में, ये मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखा है। ये सॉफ्ट टॉयज नहीं मंगाए हैं मैंने, ऐसे मत सोचिए। चलिए खोलते हैं ये आइकिया का पिटारा। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है जब कभी कोई घर में ऑनलाइन शॉपिंग करके इस तरह से बॉक्स आता है, उसको खोलो, पता तो होता है पहले से क्या क्या मंगाया है हमने, फिर भी इस तरह से ये पूरा इनका पैकिंग आता है। आई ऑलवेज लव देयर पैकिंग, क्योंकि हमेशा ये लोग इको फ्रेंडली पैकिंग यूज़ करते हैं। ये आज से ही नहीं, जब से मैं आइकिया से सामान मंगा रही हूँ, जब से प्लास्टिक बैन नहीं हुआ था तब भी पैकिंग हमेशा इन लोगों का इको फ्रेंडली ही रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं, अगर आपको उनको असेंबल करने की ज़रूरत है तो साथ में इस तरह का मैनुअल आता है, आप इजीली उनको असेंबल कर सकते हैं या किस तरह से लगाना है, प्रॉपर गाइडलाइंस आपको इसमें देख के पता चल जाएगी। पार्ट 1 में मैं आपको असेंबलिंग ऑफ फर्नीचर और होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स शो करने जा रही हूँ। मैक्सिमम आइकिया के प्रोडक्ट्स DIY टाइप के रहते हैं, जिनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और आपको असेंबल करने रहते हैं। सारे इक्विपमेंट्स और स्क्रूज, जो भी फिटिंग्स चाहिए होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में ब्रोशर में कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं, जिनको पढ़ के आप स्टेप बाय स्टेप इन पार्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये काम करने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस हमारी टेबल के सारे पार्ट्स ज्वाइन होने वाले हैं, स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं बच्चे। यही स्पेशलिटी है आइकिया के फर्नीचर की, आप इसको अपने आप असेंबल कीजिए और यूज कीजिए। बच्चों ने तो ये काम करने में बहुत एंजॉय किया था। जो फोल्डिंग टेबल हमने असेंबल करी थी, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो असेंबल होके मैंने कहाँ लगाई और कैसी लग रही है वो भी आप देख लीजिए, कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन है ये स्पेस का। ओपन कर सकते हैं आप, नीचे इसके ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को यहाँ पे आप फिक्स कर दीजिए और ये आपकी टेबल फंक्शनल हो गई। आप इसको ऐसे यहाँ पे यूज़ करिए, प्लस इसके ऊपर एक ये शेल्फ अलग से मंगाया है। जितने भी पार्ट्स आते हैं आइकिया के वो सब अलग अलग आते हैं, ये शेल्फ आपकी अलग से आएगी, ये ब्रैकेट्स आपके अलग से आएंगे, ये ब्रैकेट आप लगा के शेल्फ को स्लाइड कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस भी आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको इसको फोल्ड करना है तो अगेन आप ये नीचे इसका रॉड रिमूव करिए और ये आपकी टेबल फोल्ड हो जाएगी और ये आपका स्पेस क्लियर है।
फाइनल रिवील ऑफ द फोल्डिंग टेबल। इस तरह से ही आपका वर्क स्टेशन बनके तैयार है। जब जरूरत है तो आप इस टेबल को ओपन कर लीजिए, और जब नहीं जरूरत है तो आप इसको फोल्ड करके अपना स्पेस ओपन रख सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्यूट सी नाइट लैम्प। ये आप बच्चों के या एल्डरली पीपल के रूम में लगाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रोशनी कम होने पर ये लाइट अपने आप ऑन हो जाती है एंड वाइस वर्सा। अगला प्रोडक्ट है ये लाइट। ये नॉन इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं, बैटरी से ऑपरेट होती हैं। ट्रिपल एक इनमें बैटरी यूज होती है। आप इनको ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। बैटरी कवर लगाने के बाद में ये डबल साइड टेप भी साथ में ही आता है। इसको आप यहाँ पे रख के अपने जहाँ पे आपको ये लाइट यूज करनी है वहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने इस लाइट को अपनी अलमीरा में यूज किया है। जब भी जरूरत हो तो आप ऑन कर लीजिए लाइट को और आपका वो पोर्शन ब्राइटन अप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फ्लोर प्रोटेक्टर। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। फर्नीचर मूव करने में फ्लोर पे बहुत कई बार स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो आप अगर इनको लगा के रखेंगे तो आपके फर्नीचर के नीचे आपका फ्लोर खराब नहीं होगा। किसी भी चीज़ के नीचे आप ये लगा सकते हैं। ये ऐसे नीचे प्रोटेक्ट करता है ये फ्लोर को। दीज आर फ्लोर प्रोटेक्टर्स। अगला यूजफुल प्रोडक्ट ये है क्लोथ्स ड्राइंग स्टैंड। बहुत ही लाइट वेट है। देखिए मैंने इसको कितने आराम से उठाया हुआ है। इन दिस वे यू कैन यूज दिस क्लोथ्स रैक। किसी भी एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम में या जहाँ भी कहीं आप रखना चाहें। जब ज़रूरत नहीं है तब आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। स्पेशली रेनी सीजन में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से काम में आती हैं। सेक्शन टू में लेके आ रही हूँ बहुत ही यूजफुल किचन नीड्स के प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। देखना मत भूलिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और इन सब में से आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।